हायर डायमेंशन में जाते हो तो वहाँ पर यूनिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। सारे मनुष्य जो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इट बिकम्स पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और फिर उसके बाद जितने जीव हैं, चर चराचर, वनस्पति, माउंटेन्स, प्लैनेट्स, फिर उनकी कॉन्शियसनेस जो है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट बिकम्स वन एंड दैट इज द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और वही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में शिव योग की साधना में आप प्रवेश करते हो, तुरीय अवस्था जिसको मैं बोल रहा हूं। प्रवेश तो अभी से कर रहे हो लेकिन कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस आपकी प्योरिफिकेशन के साथ साथ आपको आएगी। जैसे जैसे आप अपने को जितना शुद्ध कर लोगे उतना आपको अनुभूतियां जो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। तब कुछ भी भिन्न नहीं लगेगा, तुमसे अलग कुछ भी नहीं लगेगा, ये सब मेरा ही है, मैं ही हूँ। एवरीथिंग इज व्हाट आई एम ओमनी प्रेजेंट, वो एक भाव भीतर आएगा। अभी नहीं, नेचुरल आना चाहिए, अननेचुरल नहीं कुछ भी क्रिएट करना, सिर्फ साधना करना। ये आगे की फीलिंग्स, आगे का ज्ञान जो है वो साधना करते करते आएगा। तो सभी कुछ ये असेंडेड मास्टर्स, दे आर हेल्पिंग, दे आर ऑलवेज गाइडिंग। और वो असेंडेड मास्टर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो हिंदू हूँ और वो जो है मैं इन्वोक करूँगा तो वो हिंदू मास्टर, हिंदू सिद्ध मेरे सामने आएगा। हो सकता है कोई और रिलीजन का सिद्ध तुम्हारे सामने आ जाए। रिलीजन इज योर आइडिया, योर फिनोमेना। Unconditional love is the truth for the whole of the humanity. और अगर कोई religion है, so that religion has to be the universal religion. The kindness, the acceptance, the unconditional love. एक बार साधना कर रहे तो एक सिख था, और वो साधना करते करते उसको बैठा था तो क्या ठीक है तुम्हें दिखेंगे भी, यू विल बी एबल टू सी हु हैज कम। अभी तो आप फील कर रहे हो, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग, एक और तरीके की फीलिंग। व्हेन द मास्टर्स दे कम, उसका तुम्हें दिखेंगे भी, प्रत्यक्ष देख लेना। उसने बुलाया, अब नेचुरली जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है अपने फील्ड में वो अपने ही गुरुओं को बुलाता है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था, ही वॉज ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, गुरुद्वारे को जाया वाया करता था, पाठ पाठ करता था। और आँख खोली तो हैरान था, ही वॉज सरप्राइज्ड। वो बोले भगवान कृष्ण मेरे सामने आके खड़े हो गए और मैं तो मानता ही नहीं, फिर वो कैसे आ गए, मैंने तो उनको बुलाया भी नहीं था, वो कैसे आ गए। तुमने आवाज दी, कौन तुम्हारी सहायता करने आता है, ये रिलीजन की बाउंड्रीज जो है, ये फ्रैगमेंटेशन की जो बाउंड्रीज हैं ये हम लोग को नहीं क्रिएट करी। हायर डायमेंशन में देर इज नो बाउंड्रीज, दे ऑल लव यू अनकंडीशनल। इवन व्हेन आई से अनकंडीशनल तो फिर कंडीशन नहीं होती है, देर इज नो कंडीशन, इट इज अनकंडीशनल। Thank you.